एक तो बहुत स्पष्ट रूप से अपन जानना चाहिए कि लौंग जो भी खाना है, लौंग की है, लौंग बेसिकली फुल है, पौधे का फुल है जी, सुखाया हुआ फुल है, तो फुल के टॉप जो नाल जरूर होना चाहिए। जो लौंग के नाल टॉप नहीं है तो फिर वो लौंग की वैल्यू बहुत घट जाती है, समझ लो। तो जो फुल जो ना नरम नरम जो होता है वो कई बार डिग जाता है, जो पुराने पैसे होंगे लौंग ना वो गिर जाता है। तो आप जो भी लौंग खाना है तो वह लौंग जो है सड़े फुल खाना है। ये गुण जोड़े ने वह एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, वो तो है ही है ही ने। उस तो अलावा हजम बहुत वधिया करता है, शुगर का इलाज करता है, जरा लिवर सिक्रीशन बढ़ाता है, पाचन प्रणाली तेज करता है, कैंसर को रोकता है, वालों का झड़ना रोकता है, लौंग खाने वाले बंदे वाल नहीं झड़न गए, इवन सफेद वाल जो हो रहे हैं उन्होंने वास्ते बहुत वधिया। जी ब्लड सर्कुलेशन है तेज करता है, खून का दौरा तेज करता है, बीपी घटाता है, कोलेस्ट्रोल घटाता है, हार्ट के ब्लड प्रेशर की बीमारियां, ये सारे इन्होंने सारे मसालों के सांझे गुण। तनाव बहुत घटाता है, नींद बहुत वधिया आती है, मोटापा ठीक होता है, मोटापे लिए बहुत ही वधिया लौंग, मोटापे लिए मेटाबॉलिज्म दंदा की दर्द आपको पता ही है, दंदा बड़ा मशहूर है लौंग, लौंग तो और लौंग खाने का सब तो उत्तम तरीका बड़ा कमाल का जो शायद अपने पता नहीं है। लौंग नूं एक लौंग नूं मूंह दे एक पासे ते एक लौंग मूंह दे एक पासे जे बिड़ा रखदे आ उपर उपरले उपरले दंदा दे उपरले गुल दे विचाले एक पासे एक लौंग रख लो, एक पासे दूजे लौंग रख लो, रात नूं सो जाओ, बस कुछ नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं दी तुहानूं उहदी, क्योंकि लौंग इन्ना छोटा हुंदा तुहानूं डिस्टर्ब नहीं करदा। सवेर तक लौंग दा घुल 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 के सारी रात तुहाडे अंदर जाएगा, हौली 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 नींद भी वधिया आएगी, सवेरे जिन्ना क बच गया फिर उहनूं चप लो, उहनूं हौली हौली चप लो। लौंग खाने का सब तो वधिया तरीका यह है, लौंग एक उधर एक उधर रख लो, सौन लगे जस जो सौ रहे उसकी सब कुरले करले करले ब्रश ब्रुश कर ले सब कुछ कर लिया, उस सौन लगे एक एक लौंग दूजे दोनों पासे रख के सो जाओ, कोई डिस्टर्बेंस होंगी। मैं कई दिनों तो रख रहा कोई कोई नींद डिस्टर्ब नहीं होंगी, उसका जरा जो उठते भी हो तुम तो बस तुम पता लग जाता भी है पे हैं। एक बार जो पानी पुनी पीना हो माड़ा मोटा हिला के पानी हिल जाते हैं फिर दोबारा रख के फिर सोचो तो पूरी दी रात सलाइवा जो है ना जो मनुखी थुक है एड्डी वधिया चीज है वो थोड़ी तो हर चीज च दस गुण नूं दस गुणा गुण वधा दिंदा उहदे जी उहदे गुण वधा दिंदा क्योंकि उहदे अंदर इन्ने गुण ने सलाइवा दे अंदर जिवें लसन ते लौंग दे खास करके गुण ने लसन दे गुणा नूं लसन जिहड़ा है लसन जे तुसीं सलाइवा दे नाल रला के ना खादा लसन दी कोई वैल्यू ही नहीं है इस तरह लौंग है लौंग जो मूंह च रखोगे तो वो वैल्यू दस गुणा बढ़ जाएगी सेम मूंह च रख का जो वर्तारा है लौंग मान लो रात को कोई नहीं रखना चाहता बड़ी अजीब लगती है गल फिर सवेरे जो काम से निकलते हो उदो अपने मूंह च रख दो अपना मस्त काम मस्ती ना काम करो तुम कोई जज नहीं कर सकते थोड़े मूंह च लौंग रखा हुआ माड़ा माड़ा जो रेल जी मिली तो माड़ी माड़ी दंदी मारी जाओ साइड तो माड़ी माड़ी मारो एकदम दंद मारोगे तो कहीं छाला कर दिता माड़ी माड़ी दंदी मारी जो दो तीन घंटे घुल जाएगा आप ही घुल जाना लौंग का सब तो वधिया तरीका यह है खाने का। बाकी आप लौंग चाह च पाने लौंग काढ़े भी पै जाता है जेडे मर्जी काढ़े च पा लो लौंग काढ़े भी पै जाएगा। बाकी आप मसाले तो लौंग पेंदे भी खेते पेंदे खाने वायरस वायरल वाले काढ़े सारे लौंग पैंदा लौंग दो तो वध नहीं पाउणी लगी है हर बंदे ने ठीक है जे मान लो अपने थोड़ी थोड़ी पीनी है ਜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੀ
नहीं कोई नहीं, फसल में थोड़ी घबराहट टाइप फीलिंग आएगी, कुछ नहीं है, इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं होना, ज्यादा लौंग आप खा लेंगे तो थोड़ी घबराहट टाइप फीलिंग आएगी यार जी, जिवें गर्मी जी आ जी घबराहट किना जा रहा है, गर्मी आ रही है, इतना थोड़ा तेज होता है जी, यानी कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। नहीं 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 बस बस तुम थोड़ा जहा लगता है चीना जाई जा रहा है, चीना जाई जा रहा है, ओदे च काढ़े दे काढ़े प्रति हर ये काढ़े नु ना लोकां ने बहुत औखा बना रखा है, इनू अपन इनू लगातार इथों जिदा जिदा चाह बनाने असि सेम काढ़ा साडी चाह भी साडा काढ़ा है, साडे चाह भी 5 मिनट बाद दे घटो घट पक्की नु बिल्कुल जी, असि राड़ के काढ़ के बनाने चाह, जिदा साडी असि चाह बना ली उदा दा काढ़ा बना लिया, 5 मिनट तो बाद 4 मिनट 5 मिनट तो बाद बनाने दी लोड़ नहीं पैंदी काढ़े नु, और 25% उड़दा उस पानी निकली जाना, और जो काढ़ा बना थोड़ा जा वड्डी चीज़ कुट लो ठीक है ना जी, मोटा जा हो गया कि काढ़े नूं आपां कोई वड्डी कंप्लीकेटेड जी चीज नहीं समझना, काढ़ा आम जी चीज है, दूजा काढ़े नूं कदी तेज गर्म नहीं पीना, काढ़े नूं तेज गर्म कदी नहीं पीगा, जो जो बहुत ही पीन लायक हो जाए गर्म गुस्सा गुस्सा जा उदों पीना, पीण लग्या पीण लग्या इहदे च आपां टेस्ट वास्ते नींबू पा सकदे हां, शक्कर पा सकदे हां, और जे काली मिर्च दा टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है तां चूंडी काली मिर्च पा सकदे हां जी, चूंडी काली मिर्च पा सकदे हां, जे अदरक पाउणा पसंद है तां अदरक पा सकदे हां, सारी चीजें की करते हैं टेस्ट बॉइलिंग टाइम भी शक्कर है तो बाद वेस्ट ना शक्कर भी वेस्ट करा अपना नींबू भी वेस्ट करा तो जो फुल लिया जी उन्होंने तो बाद शक्कर पा के नींबू पा के पी जी और बहुत फर्स्ट क्लास स्वाद बनते अदरक पा सकते और पुण तो बाद नींबू और ਲੌਂਗ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਾੜਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਕਾੜਾ ਪੀਣਾ ਸਿਰਫ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੀਓ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਈਡ
तो जे मान लो जो मसाले ने चार पांच इन्हें एक जो दूजी बार हो इस अलावा पीना सर पत्ते वो पी लेंगे कोई वो कर दिए पत्ते थोड़े जो पत्ते कमाल की चीज ने पत्तियां तरह तरह की घबराहट घूट नहीं होती पल्ले पत्ते का पी रहे हो धनिया का पी रहे हो पीने का पी रहे हो कड़ी पत्ते का पी रहे हो अमरूद का पी रहे हो सब पत्ते पिया सकते हैं लेमन ग्रास का बहुत वधिया बनता है तो यह जी जी चाह पत्ती है चाह पत्ती का कोड़ है रखना चाहिए और खास करके दुध वाली चाह जी है वह तो छुड़ाओ दुध वाली चाह तो बिल्कुल कांटा वर्ग दुध वाली चाह इन्नी बह रही है पेट पेट की और पेट ठीक रहनी और साड़ी सेहत के केंद्र च पेट है पेट ठीक नहीं है सा हजमा ठीक नहीं कोई सेहत ठीक नहीं रह सकती हजार बीमारियां लगनिया तुम पेट ठीक रहना बहुत जरूरी है पेट ठीक रहने का मतलब है कि सू पेट कभी याद नहीं होना चाहिए पेट वो ठीक होता है जो असि भुख लगे तो पेट याद आए या पट्टी जाने लगे पेट याद आए बस बिच बजाले पेट जो याद आ गया तो उदा तो मतलब पेट को गड़बड़ है तुम खराब कर रहे हो गलत चीज कर रहे हो गैस बन रही है भारीपन हो रहा है तेजाब बन रहा है जे यह कोई गल हो रही है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗੜਬੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਕਾੜਾ ਉਹਦੇ 10-10 ਫਾਇਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਕਾੜਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਡੋਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾੜੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਗਰੋਸਲੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹਲਦੀ ਹੈ ਅੱਧੇ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀਰਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਮਚਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ पान पत्ता लभो कितों ते पान पत्ता नर्सरी च मिलदा ता पान पत्ता लाउण दा रवाज पाईए आपां पान पत्ता कर रख्या पान पत्ता जिहड़ा है ओह तंबाकू नाल जुड़िया होया इस करके सानू उहदे नाल नफरत है पान पत्ते नाल सानू कोई नफरत है पान पत्ते दे विच तंबाकू पा के ओ जो पा के की कहंदे ओ कठा गुठा जा पा के ते ओ सुआ के जा ओ माड़ा है पान पत्ता बहुत ही वधिया दवा गुण ने ओदे पान पत्ता और हार श्रृंगार एडी वधिया दवाई है कि जिन्नी जोड़ां दी दिक्कतां ने सारियां तुहानूं अजकल जोड़ां दी दिक्कतां इन्नियां ज्यादा ने हार श्रृंगार लाउण दा रवाज बहुत पई है हार श्रृंगार और पान पत्ता दो लभ लभ के इह वी दवा पत्तिआं दे तौर ते बहुत घट मिल रहे हैं हार श्रृंगार दी कुछ दा मरीजां नूं कदे है नहीं सानूं पता ही नहीं हार श्रृंगार दा पता ही लुक नूं और इसे तरह पान पत्ता मिलता ही नहीं पान पत्ता फिर पान पाई वाले को जाना पैंदा लभण वास्ते पान जिवें मनी प्लांट हुंदा सेम मनी पान पत्ता होएगा बस उसकी एक वारी नर्सरी च मिलनी चाहिए वेल मिलनी चाहिए और पान पत्ता वो लेना जिहड़ा कालस्ते होवे डार्क ग्रीन जी डार्क ग्रीन इहदा भी आपां थोड़ा जिहा रखीए पत्ते तो देखो होर करना अज दा मैनूं लगदा इत्थे आपां समाप्त करीए ਕੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਕੁਛ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ